गोलीबारी के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे रामलीला का मंचन चल रहा था वहां पे हार्ट अटैक आने से कलाकार की मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। 45 साल के सुशील कौशिक श्रीराम का किरदार निभा रहे थे, लेकिन डायलॉग के दौरान ही सीने में तेज दर्द उठा और वो मंच से बीच में ही छोड़कर पीछे चले गए। हालांकि इसके बाद जो हालत थी उनकी और खराब हो गई और जानकारी दरअसल ये मिली कि रामलीला के मंचन के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया और इसी हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। तो दिल्ली की दर्दनाक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे भगवान राम का किरदार निभा रहे जो सुशील कौशिक थे उनको पहले हार्ट अटैक आया, इसके बाद वो हार्ट अटैक के बीच में वो मंच के पीछे चले गए और वहीं पर हार्ट अटैक से कलाकार की मौत हो गई। इस बीच बहुत सारी खबरें ऐसी निकल के सामने आई हैं जहां पर वर्कआउट करते वक्त, डांस करते वक्त, रामलीला का मंचन करते वक्त या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त ऐसी हार्ट अटैक से मौतों की खबर निकल के सामने आई। और इसी कड़ी में जो तस्वीर निकल के सामने आई वो दिल्ली की रामलीला मंचन की थी, जहां पे भगवान राम का किरदार निभा रहे जो कलाकार थे उन्हें सीने में तेज दर्द उठा, उन्हें हार्ट अटैक आया, इसके बाद वो पीछे मंच के चले गए और मंच के पीछे जाने के बाद खबर निकल के सामने आई कि यहाँ पे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। तो रामलीला मंचन के दौरान ये मौत की खबर निकल के सामने आई है। और चलिए बात करते हैं पाकिस्तान में कोहराम की। हमेशा भारत का बुरा चाहने वाले पाकिस्तान में अब गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नियाज़ी की रिहाई की मांग को लेकर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता जमकर बवाल काट रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार की नाक में दम करते हुए नजर आ रहे, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालात ये है कि पूरा देश जाम हो चुका है, पहले भी ऐसा ही हुआ था, एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। आतंकी का मुल्क सिस्टम अब पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। कुछ आपको बता दें कि कहा नहीं जा सकता, चारों तरफ आगजनी की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही, एक बार फिर से पीटीआई के कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं। आपको दिखाते तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए। पीटीआई पहुंची इस्लामाबाद, भीड़ देख हिल गए शहबाज। पुलिस से नहीं बनी बात, इस्लामाबाद में सेना तैनात। इस्लामाबाद में पीटीआई समर्थकों की बढ़ती भीड़ शहबाज सरकार के मन पर किसी पत्थर से कम नहीं। इस भीड़ को काबू करने के लिए शहबाज सरकार की अब तक की हर कोशिश नाकाम ही साबित होती रही। इस्लामाबाद में पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे, उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौखारें इस भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आंसू गैस के धुएं से निपटने के लिए लोगों ने गैस मास्क और कपड़े का मास्क तक पहन लिया। इसके बाद रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कंटेनर तक लगा दिए गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद के आगे ये कंटेनर भी बौने ही साबित हुए। जब बात नहीं बनी तो भीड़ को संभालने के लिए देर रात सेना को तैनात कर दिया गया, बावजूद इसके भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद और लाहौर की ओर जाने वाली सड़कों पर कार और बसों की गिनती काफी बढ़ गई है। गाड़ियों में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इमरान खान की पार्टी के समर्थक जेल से उनकी रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है, मोबाइल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। पीटीआई समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार किए गए नेताओं में खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर भी शामिल है। पीटीआई समर्थकों का कहना है कि रेंजर्स ने जबरन घर में घुसकर अली अमीन को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पिछले 48 घंटे में 120 भगवान नेशनल ने जो पकड़े गए, पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। इमरान खान भले ही जेल में हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खासकर बीते 3 दिन में जिस तरह से पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद की घेराबंदी की है, वो बता रही है कि शहबाज की कुर्सी डगमगाने लगी है और कौन जानता है कि इस भीड़ के बोझ से इस कुर्सी के पाए न जाने कब टूट जाए। हम वक्त मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बता दें। देखिए, आतंक परस्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात इस समय हो गए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत जो है वो तेज हो गई है। वहां आवाम जो है बगावत कर रही है, विरोध की मार वहां पर सह रहे हैं शहबाज शरीफ। पीटीआई के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई दी। सड़कों पर इमरान खान की रिहाई की मांग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विरोध पहले से ही जारी था और अब देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ पीओके में भी नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये आपको बता रहे हैं कि शहबाज पर मुसीबतों का बोझ है और कितना बोझ है। तो सरकार के खिलाफ गुस्सा यहां पे सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दरअसल हालात ये बन गए कि सड़कों पे जो लोग हैं वो उतर गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इमरान खान के जो समर्थक है वो यहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनकी ओर से तमाम मांगों को लेकर यहां पे सड़कों पर उतर के बवाल किया जा रहा है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट में। खुश ना हो पाकिस्तान, भारत का एजेंडा हिस्सा, पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बात। जी हाँ, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, I'm scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO, SCO heads of government. In line with the tradition, it so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. कि पाकिस्तान जब तक आतंक पर लगाम नहीं लगाता उससे कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन भारत के कुछ नेता अब भी पाक का राग अलाप रहे हैं और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि ये जहां शंघाई के बारे उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफरत को किसी तरीके से खत्म करें। आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में SCO समिट इसी महीने 15 और 16 तारीख को होगी। SCO समिट की इस बैठक में भारत पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेता शामिल होंगे। इस बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था, लेकिन भारत ने अपने वरिष्ठ मंत्री और कूटनीति के चाणक्य के कहे जाने वाले डॉक्टर जयशंकर को भेजने का फैसला लिया। SCO का मंच पूरी तरह से इंटरनेशनल होगा, जिस पर दुनिया के बड़े देशों की निगाहें होंगी। माना जा रहा है कि इस मंच पर भारत पाकिस्तान के आतंकी करतूतों का भंडाफोड़ करेगा। आपको बता दें किन किन मुद्दों पर पाकिस्तान को भारत घेर सकता है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं का पाकिस्तान कनेक्शन, खालिस्तानी आतंकियों के पाकिस्तानी आकाओं का मुद्दा, आतंक को पालने वाली पाकिस्तान की सरकारी पॉलिसी, दुनिया भर के फैले आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंक समर्थक कट्टरपंथी मौलानाओं को श्रेय,
इस साल जुलाई में भी एससीओ की मीटिंग हुई। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मीटिंग में जयशंकर ने इशारों में पाकिस्तान पर हमला बोला। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग और बेनकाब करने को कहा जो आतंक को पालने और उसे एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा था कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस्लामाबाद के एससीओ बैठक में भी जयशंकर के तेवर यही रहेंगे, जिसकी झलक उन्होंने आज दिल्ली में दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।